नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए वीडियो में। आज फिर से आज दोस्तों एक नया आइटम लेके आपके लिए। आज आपने लेके आए दोस्तों एरोंस इंडिया कंपनी की तरफ से कोर्डलेस माइक, जिसका मॉडल नंबर है ACT2K। बहुत ही दमदार और बहुत बढ़िया रेंज वाली कोर्डलेस माइक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इसका अनबॉक्स करेंगे, साथ की टेस्टिंग करेंगे और इसका प्राइस भी जानने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, बीजे से रिलेटेड हर आइटम आपको जानने को मिलता रहे और साथ में दोस्तों हर आइटम का आपको प्राइस भी जानने को मिले। तो चलते दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिलता है, कोर्डलेस माइक का हमें यहाँ मॉडल नंबर देखने को मिलता है, ACT2K इसका मॉडल नंबर है और बहुत ही बढ़िया दोस्तों पैकिंग में मिलता है, कलरफुल कार्टून की पैकिंग है। ओपन कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इसके ऊपर एक पॉली बैग लगा हुआ है, बारिश वगैरह में अंदर का पैकेज सेफ रहे, भीगे ना। यहाँ पे भी दोस्तों में एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे भी दोस्तों में एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग और साथ में इसका मॉडल नंबर देखने को मिलता है। काफी अच्छी पैकिंग है दोस्तों। फ्लैट केस दोस्तों आपको इसके साथ मिलता है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मजबूत प्लास्टिक है ये। और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों में दो बैग देखने को मिलते हैं, इसमें आप माइक को कैरी कर सकते हैं, इसमें आप माइक रख सकते हैं और कहीं लाना ले जाना आराम से कर सकते हैं। साथ में दोस्तों में एक वारंटी कार्ड मिलता है इसके साथ। तो दोस्तों पैकिंग आप देख सकते हैं, काफी अच्छी पैकिंग है, पैकिंग बहुत ही बढ़िया है, थर्माकोल की पूरी पैकिंग है और साथ में दोस्तों ये साइड केस भी हमें देखने को मिलता है। तो पैकिंग काफी अच्छी है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन में कभी डैमेज नहीं होगा, ये बहुत ही बढ़िया पैकिंग है। और ये देखिए दोस्तों टू लेयर में पैकिंग है इसकी, एक लेयर हमने ये हटाया है और इसके अंदर से हम इसका रिसीवर निकाल लेते हैं। रिसीवर है, काफी वेट है इसमें। और अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, दो हमें यहाँ पे माइक मिल रहे हैं, कोर्डलेस माइक काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और हैवी है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ है दोस्तों, काफी अच्छी फिनिशिंग यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसके ऊपर भी हमें एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है। और दिखाते हैं आपको, दो एंटीना देखने को मिलते हैं दोस्तों, में दो एंटीना में इसके साथ मिलते हैं। साथ में दोस्तों डबल ए की सेल हमें देखने को मिलते हैं, डबल ए बैटरी मिलते हैं इसके साथ, चार बैटरी है। एक अडेप्टर दोस्तों देखने को मिलता है हमें, इसमें भी हमें एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि दोस्तों 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट आउटपुट है इसकी। एक आउटपुट केबल देखने को मिलता है और दोस्तों में यहाँ पे चार रबड़ की स्ट्रिप देखने को मिलती है इसमें लगाने के लिए, माइक में लगाने के लिए। तो दोस्तों ये क्लोज लुक है हमारे एरोंस इंडिया कोर्डलेस माइक के रिसीवर की। यहाँ पे दोस्तों हमें एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं हमें। और आगे बात करते हैं दोस्तों रिसीवर के ऊपर भी, यहाँ पे भी ब्रांडिंग देखने को मिलती है इसकी। तो दोस्तों रिसीवर को हमने ऑन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं हमें दो डिस्प्ले देखने को मिलता है, सेपरेट सेपरेट दो डिस्प्ले देखने को मिलता है, चैनल ए और चैनल बी का, दोनों का सेपरेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे IR का सेंसर देखने को मिलता है, RF और AF के सिग्नल इंडिकेटर लेवल देखने को मिलता है हमें। और दोस्तों जो ये डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर में काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रुप, चैनल, RF, ऑडियो गेन, ये सारे दोस्तों फंक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए यहाँ पे चैनल ए की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये वॉल्यूम देखने को मिलता है, जो 22 आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम है। और दोस्तों साथ में यहाँ पे हमें बैटरी लेवल देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। उसके ऊपर दोस्तों म्यूट एंड म्यूट का हमें एक सिंबल देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ मैनुअली बटन देखने को मिलते हैं, इससे हम सेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी लेवल और अपने माइक को हम पेयर कर सकते हैं इससे। फिर दोस्तों दूसरे चैनल में वही फंक्शन है सारे, यहाँ पे हमें RF और AF के इंडिकेटर लेवल देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले के अंदर फ्रीक्वेंसी लेवल, बैटरी इंडिकेटर, म्यूट एंड म्यूट के साइन और साथ में दोस्तों वॉल्यूम लेवल देखने को मिलता है। आगे दोस्तों यहाँ पे दो बटन देखने को मिलते हैं हमें, ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम ए और वॉल्यूम बी, दोनों के सेपरेट बटन देखने को मिलता है। इस बटन से हम दोस्तों दोनों के वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप चैनल ए का वॉल्यूम सेट करना चाहते हैं तो ये चैनल ए पे आप बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद दोस्तों हम इस तरह से वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम वापस डाउन आने लग गया है। इसी तरह दोस्तों चैनल बी का वॉल्यूम आपको बढ़ाना है, बी पे जाएंगे, अभी आप देख सकते हैं 22 है और मैं देखो बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं 26, 27 इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे हम इसको जैसे डाउन करेंगे तो ये वापस वॉल्यूम कम होते चले जाएंगे।
तो दोस्तों बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले हमें पावर ऑन ऑफ की स्विच देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमें एंटीना के लिए यहाँ पे सॉकेट देखने को मिलता है एरियल लगाने के लिए, साथ में एसक्यूएल ए और एसक्यूएल बी के यहाँ पे सेपरेट वॉल्यूम देखने को मिलता है। मिक्स आउट के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें पिन देखने को मिलता है, और आगे दोस्तों बैलेंस आउट के लिए हमें चैनल बी और चैनल ए का दो बैलेंस आउटपुट देखने को मिल जाता है हमें। और उसके आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एडाप्टर इनपुट करने के लिए यहाँ पे सॉकेट देखने को मिल जाता है, यहाँ से दोस्तों 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इसको इन करेंगे। उसके आगे दोस्तों एक और एंटीना देखने को मिलता है हमें, तो दो एंटीना लगेगा दोस्तों इसके अंदर। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एडाप्टर के अंदर भी हमें एक एलईडी लाइट देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता रहेगा ये ऑन है या ऑफ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ और दिखा चुका हूँ कि माइक की क्वालिटी काफी अच्छी, काफी हैवी माइक क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों इसको यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से आप ओपन करके यहाँ पे दोस्तों इसकी माइक की कॉइल देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉइल है यहाँ पे। और दोस्तों पूरा ये मेटल का है, मेटल का है दोस्तों ये, और इसको इस तरह से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मेटल का आवाज सुन सकते हैं आप, मेटल है। इसके अंदर डबल ए के दो सेल लगते हैं, इस तरह से दोस्तों दो डबल एल के सेल लगा सकते हैं आप इसके अंदर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पावर का बटन है, इसको यूं प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए और ये हमारा माइक ऑन हो जाएगा, ये लाइट आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हमें एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे बैटरी के लेवल आप इसके अंदर देख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं और इसकी रेंज भी देख सकते हैं, गेन वगैरह की आप आउटपुट देख सकते हैं इसमें कितनी आ रही है। इसको ऑन कर लेते हैं, यहाँ से बटन प्रेस करेंगे, माइक ऑन हो गया हमारा। और आप देख सकते हैं दोस्तों माइक ऑन होने के साथ साथ इसका डिस्प्ले में भी ऑरेंज से ये व्हाइट डिस्प्ले हो गई है, इसका मतलब दोस्तों ये माइक इस चैनल के साथ सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब आप जो भी बोलेंगे ये इस माइक में ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इसकी, ये आप देख सकते हैं, हेलो, ये आप देख सकते हो दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी, देखो जब मैं बोल रहा हूँ तो ये बढ़ती जा रही है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी लेवल दोस्तों बढ़ता जा रहा है, हेलो 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 हेलो। अगर दोस्तों हमें इसकी वॉल्यूम बढ़ानी है, इसको चैनल ए पे करेंगे और ये देखिए हेलो 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 माय टेस्टिंग हेलो हेलो, ये आप देख सकते हो दोस्तों फ्रीक्वेंसी लेवल यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यानी दोनों जगह पे हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी लेवल कैसे आउटपुट इसका देता है। तो दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, साथ में इसकी डिटेल्स वगैरह मैंने आपको दे दी वो भी आपने देख लिया, अब आप जानना चाहते होंगे इसकी प्राइस और इसकी रेंज कितनी है। तो दोस्तों अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हमें 80 से 100 मीटर के हमें यहाँ वायरलेस रेंज मिल जाता है हमें इसकी। और दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो 14 से लेकर 14,500 के बीच में आपको दोस्तों इसका प्राइस मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे भी इसको खरीद सकते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करके घर बैठे आप इसको मंगा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा अवेलेबल है दोस्तों, कुछ मिनिमम अमाउंट देकर आप इसको कैश ऑन डिलीवरी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको कई की नई नई वीडियो मिले और साथ में हर चीज का आपको प्राइस भी जानने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में कुछ और नए आइटम के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।